वहीं शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म पठान की अनाउंसमेंट का इंतजार करते रह गए। वहीं शाहरुख ने बड़े ही चुपचाप तरीके से शुरू कर दी पठान की शूटिंग। बेशक फिल्म का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन खबर पक्की है कि शाहरुख ने फाइनली 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिल्म के सेट्स पर कदम रखा है और बड़ी ही सुपर स्पीड के साथ फिल्म का काम शुरू भी हो चुका है। और अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं पठान से जुड़ी 3 और बड़ी अपडेट्स। नंबर 1, 2 दिन में जॉन इब्राहिम भी ज्वाइन करेंगे शूटिंग। 18 नवंबर को शाहरुख ने पठान की शूटिंग का आगाज कर दिया है, तो वहीं दीपिका ने मंडे से शाहरुख को ज्वाइन करते हुए यशराज फिल्म स्टूडियो में पठान की शूटिंग किक स्टार्ट की। और अब जॉन इब्राहिम भी आने वाले 1-2 दिनों में दीपिका और शाहरुख को ज्वाइन करने वाले हैं। यानी तीनों स्टार्स अब फुल स्विंग से पठान की शूटिंग के लिए एकदम कमर कस चुके हैं। नंबर 2, अबू धाबी में होगा दूसरा शूटिंग शेड्यूल। आपको बता दें कि पठान के पहले शेड्यूल की शूटिंग शाहरुख ने मुंबई के यशराज स्टूडियो में पूरी कर ली है। दरअसल शाहरुख के कुछ सीन्स की शूटिंग के बाद फिर दीपिका के साथ शाहरुख ने यशराज फिल्म स्टूडियो में शूटिंग पूरी की है और अब फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग होगी अबू धाबी में। एंड नंबर 3, शूटिंग की स्पीड है एकदम सुपर फास्ट, 2021 में होगा धमाका। आपको बता दें कि पहले स्केड्यूल को निपटाने के बाद सेकंड स्केड्यूल के लिए शाहरुख, दीपिका और जॉन तीनों ही अबू धाबी के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में ही रवाना होंगे। यानी अब शाहरुख की पठान की शूटिंग सुपर स्पीड से शुरू हो चुकी है, जिसका धमाका न्यू ईयर यानी साल 2021 से होने वाला है। पर जाहिर है कि शाहरुख के फैंस पठान से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब शाहरुख अपनी किसी फिल्म के लिए इतनी शांति और गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। शायद मेकर्स की ये कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शाहरुख पूरे 2 साल बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं, लिहाजा उनका कमबैक ग्रैंड तो होना ही चाहिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।